नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दिग्गज ब्रोकर हाउस जो कि मोतीलाल ओसवाल ने आज अपनी दिवाली की जो टॉप 10 पिक्स थी वो निकाल दी हैं कि इस दिवाली अगर इनमें से 10 में से आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो अगली दिवाली तक आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि वो 10 स्टॉक कौन से हैं। और बिना देरी किए चलिए दोस्तों अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों हर ब्रोकर हाउस अपनी रिपोर्ट निकालता है यहाँ पे कि कौन से स्टॉक दिवाली पर खरीदे जाएं जो कि आपको अगली दिवाली तक माला माल कर दें, तो ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है जिसने 10 स्टॉक आपको बताए हैं। ये 10 के 10 नाम आपको मैं बताऊंगा और अगर इनमें से आपको कोई स्टॉक अच्छा लगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में इस दिवाली मोर ट्रेडिंग पर ज़रूर खरीदिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है यहाँ पे मारुति सुजुकी का, जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 84 के, जो कि करीब 26% का अपसाइड है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जो पहला स्टॉक है मारुति, और मारुति के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। जो भी गिरावट आती है इसमें वो टेम्प्ररी होती है, तुरंत की तुरंत रिकवर करता है, ये टाइम नहीं लेता। ये वो स्टॉक ही नहीं है जो आपको टाइम देगा इसमें फंसने का। ऑलमोस्ट गिरता है 15-20 दिन में, एक महीने में, उसके बाद तुरंत रिकवर कर जाता है। आज भी ये करीब 6% भागा है। अगला स्टॉक जो है, जो सेकंड स्टॉक है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे जो टारगेट आ रहा है वो काफ़ी ऊपर के आ रहे हैं। 338 रुपये के टारगेट आ रहे हैं जो कि अपसाइड है 46% की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेटल सेक्टर पे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल बुलिश हो रहा है, क्योंकि ये ही ऐसी कंपनियाँ हैं जो काफ़ी सस्ती ट्रेड करती हैं और जिस तरीके से इकोनॉमी थोड़ा सा परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे मेटल इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। अगला स्टॉक जो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि दिग्गज कंपनी है। LIC की ही ये पेरेंट कंपनी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस में सेक्टर में डील करती है, और यहाँ पे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 550 रुपये के, जो कि 31% की अपसाइड के हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाउसिंग की जो डिमांड रहती है वो ठीक ठाक रहती है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होते हैं और इंटरेस्ट रेट यहीं पे अगर स्टेबल रहते हैं तो यहाँ पे जो घरों की डिमांड रहेगी वो ठीक ठाक ही रहेगी। और हाउसिंग लोन में यहाँ पे LIC काफ़ी अच्छा प्लेयर है जो कि हाउसिंग लोन देता है, तो इसलिए यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल है वो भी बुलिश हो रहा है और 31% के यहाँ पे टारगेट दे रहा है अपसाइड के, और 550 का ये टारगेट है। तो ये तीसरा स्टॉक है। चौथा स्टॉक जो आ रहा है वो आ रहा है PVR, जो टारगेट दे रहा है वो दे रहा है 1650 रुपये का और अपसाइड है 21% की। मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने का सपना हर किसी का होता है, हर कोई जाता है मल्टीप्लेक्स में ही देखने पिक्चर, बट PVR एक बोला जाए तो काफ़ी एक स्टैंडर्ड है और लग्जीरियस मल्टीप्लेक्स है जो कि ऑलमोस्ट आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने मल्टीप्लेक्स में। आप वहाँ पे जाके आराम से अपना नाश्ता वगैरह और सारी चीज़ें खरीद सकते हो। जो सीट भी है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, तो हर कोई देखना चाहता है PVR के अंदर पिक्चर। इसीलिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल बुलिश हो रहा है और जो टारगेट दे रहा है वो 21% अप के दे रहा है 1650 के। अगला स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है ओबरॉय रियल्टी, और यहाँ पे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 34% अप के, और जो टारगेट है वो है 574 रुपये का। अगला स्टॉक जो आ रहा है वो आ रहा है इन्फोसिस, और जो टारगेट दे रहा है वहाँ पे मोतीलाल ओसवाल 20% अप के, और जो टारगेट है वो है 800 रुपये का। जैसे कि आप जानते हैं कि IT के लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, एक तो रुपया जब भी कमज़ोर होता है तो IT के लिए अच्छी बात होती है, और इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी थी जिसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाए थे इस क्वार्टर में। तो इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाए थे इस क्वार्टर में, और इन्फोसिस का स्टॉक अगर 800 के, मैं तो 850 रुपये तक के इसके टारगेट देता हूँ, ये जरूर लीड करेगा क्योंकि ये सारी लीडिंग कंपनी है। निफ्टी अगर ऊपर जाएगा अगली दिवाली तक तो ये कंपनियाँ ज़रूर इनको लीड करेंगी ऑलमोस्ट। अगला जो स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है इंद्रप्रस्थ गैस, और जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 373 रुपये के, जो कि 33% की अपसाइड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो CNG का डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे NCR रीजन में जो CNG का डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका लाइसेंस मिला हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए, और यही सबसे बड़ा इसमें प्ले रोल है इस स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। तो इंद्रप्रस्थ गैस पे आप नज़र रखिएगा, और जब भी गिरावट आती है तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करिएगा। अगला जो स्टॉक बोल रहा है मोतीलाल ओसवाल वो बोल रहा है ICICI बैंक का, और ICICI बैंक के जबरदस्त नतीजों के बाद जो ये टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 400 रुपये का, और 13% की अपसाइड है करंट प्राइस से।
तो आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट की सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा पोटेंशियल बन सकता है। और इस तरीके के रिजल्ट अगर एक क्वार्टर में और आ गए ना तो ये 400 नहीं 450 रुपये तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि आईसीआईसी बैंक में काफ़ी दिनों बाद एक इतना स्ट्रांग मोमेंटम बना है और काफ़ी दिनों बाद इतने अच्छे रिजल्ट बैंक ने डिक्लेयर किए हैं। तो इस पर अपनी नज़र रखिएगा, आईसीआईसी बैंक रहा। अगला स्टॉक जो बोल रहा है मोतीलाल ओसवाल, वो बोल रहा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज तो आप वैसे ही आप बंद खरीद करके खरीद लीजिए, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो कंटिन्यूअसली चलता हुआ आ रहा है। 100 रुपये का किसी ज़माने में हुआ करता था, हर साल ऑलमोस्ट ये डबल हो जाता है, हर 1.5 साल 2 साल में ये डबल हो जाता है स्टॉक। और इस पर आप नज़र रखिएगा, जो टारगेट दे रहा है वो दे रहा है 6870 के, और जो कि करंट प्राइस से 23% के अपसाइड की है। और लीडर है ऑलमोस्ट अपने बिस्किट सेक्टर में और सेगमेंट पे, और ये आप हर टाइप का बिस्किट आप ब्रिटानिया का सुबह उठ के ही खाते हैं, तो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका स्टॉक जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगला स्टॉक जो मोतीलाल ओसवाल बोल रहा है, वो बोल रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़्यादातर चीज़ें बनेंगी, और जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो उसमें एक्साइड जैसे स्टॉक काफ़ी कंपनियाँ ये प्ले रोल करेंगी सिंपली। तो यहाँ पे जो टारगेट आ रहे हैं वो 24% अप के आ रहे हैं और 314 रुपये के आ रहे हैं। तो एक्साइड के लिए काफ़ी आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी रख सकते हैं। इसको दिवाली से दिवाली छोड़िए, आप इसको लंबा रखिए, एक्साइड की का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये 10 के 10 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इस मुहूर्त ट्रेडिंग में जरूर डालिएगा, ताकि अगली दिवाली तक आपको अच्छे खासे रिटर्न बन के दिखें और आपका जो पैसा है वो भी अप्रिशिएट हो यहाँ पे और आपकी वेल्थ अच्छी क्रिएट हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।